मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कैनेडियन हुकाम की अफगान तालिबान से मुतादद बार मुलाकातों का इंकशाफ। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के हुकाम ने इंसानी हकूक से मुतालिक वादे पूरे करने के लिए तालिबान पर दबाव डाला। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जॉली ने इस हवाले से इंटरव्यू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हॉकी में क़यादत की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कैनेडियन वजीर खेल का कहना था कि जंग ज़दा तंजीम के मेंबरान इदारे को साफ करें। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा हॉकी के हालात ने जहन को हिलाकर रख दिया है। मुल्की आफात में फौज दिफा की पहली लाइन नहीं हो सकती। कैनेडियन अरकाने पार्लियामेंट का कहना है कि वफाकी हुकूमतों ने घरेलू बहरानों से निमटने के लिए फौज पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। मौजूदा हालात में कैनेडियन फौज को बैरूनी मामलात के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग, बच्चों समेत 31 अफराद हलाक। हमला आवर ने अहलखाना को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। हमला आवर साबिक पुलिस मुलाजिम था। यूक्रेन को मजीद असला देने का अमरीकी ऐलान। मॉस्को ने बराए रास्त फौजी तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका का यूक्रेन के लिए मजीद 625 मिलियन डॉलर 62 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान। यूक्रेन हुकूमत ने आयोडीन की गोलियां बांटना शुरू कर दी। हैरान कुन वजह सामने आ गई। गैम्बिया में भारत की कंपनी के शरबत पीने से 66 बच्चे हलाक। आलमी इदारे सेहत ने भारतीय दवा में आलूदगी से खबरदार कर दिया। सर्दी और खांसी के 4 सिरप में आलूदगी की तहकीकात की जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद से कैनेडा के सरकारी हुकाम ने कतर में कम से कम 13 मरतबा तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद मुतादित मरतबा अफगान तालिबान से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद से कैनेडा के सरकारी हुकाम ने कतर में कम से कम 13 मौाकों पर तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात की है। मालूमात तक रसाई के कानून के जरिए हासिल की गई दस्तावेजात से पता चलता है कि अफगानिस्तान के लिए कैनेडा के सीनियर अहलकार डेविड सिप्रॉल ने मुख्तलिफ ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के हुकाम और इत्तेहादी मुमालिक के नुमाइंदों के साथ तालिबान पर दबाव डाला है कि वो अपने हुकूक को बढ़ाने के लिए वादों के लिए तालिबान पर दबाव डाले, जिनमें खवातीन को तालीम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफगानों को महफूज रास्ता फराहम करना शामिल है। अमरीका और पाकिस्तान में खारजा उमूर के महकमों के बरक्स कैनेडा अफगानिस्तान में हुकूमत के साथ अपनी बातचीत के बारे में बाकायदा अपडेट फराहम नहीं करता है। मकामी चैनल ने कहा है कि वजीर खारजा मेलानिया जूली ने इस हवाले से इंटरव्यू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, लेकिन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बुध की सुबह सहाफियों को बताया कि कैनेडा का तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रूडो का कहना था कि हकीकत यह है कि बैन अलावा शराकत दारों के साथ हमें खवातीन के हकूक का एहतराम करने के लिए लड़कियों के स्कूल जाने को यकीनी बनाने, अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद लोगों के महफूज रास्ते में मदद करने के लिए उन पर दबाव जारी रखना है। मशगूल होने की ज़रूरत है, अगरचा हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। मुकामी न्यूज़ चैनल के जरिए हासिल करदा दस्तावेजात ज़्यादातर ईमेल्स हैं जो इसप्रोल ने अपने GAC के साथियों को भेजे हैं। वो दिखाते हैं कि तालिबान ने कैनेडा और दीगर ममालिक से अपनी दरख्वास्तें की हैं और उन खतरात के बारे में मस्कूरा चैनल और दीगर ज़राए इब्लाग की मुतादित रिपोर्टों के बावजूद अफगान बाशिंदों को वहाँ से निकलने की कोशिश में दरपेश खतरात के हवाले से तरदीद जारी की है।
कैनेडियन आइस हॉकी की कौमी गवर्निंग बॉडी पर पार्लिमानी कमेटी के सामने एक एग्जीक्यूटिव की पेशी के बाद इसकी कयादत में तब्दीली के लिए दबाव बढ़ रहा है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हॉकी कनाडा की पोजीशन एक तंजीम जिस पर गैंग रेप के इल्जामात को गलत तरीके से संभालने का इल्ज़ाम है जिसने जहन को हिला कर रख दिया है। जबकि वफाकी वजीर खेल का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जंग ज़दा तंजीम के मेंबरान इदारे को साफ करें। आइस हॉकी की कौमी गवर्निंग बॉडी पर पार्लिमानी कमेटी के सामने एक एग्जीक्यूटिव की पेशी के बाद उसकी क़यादत में तब्दीली के लिए दबाव बढ़ रहा है। अबूरी बोर्ड चेयर एंड्रीना स्किनर ने हॉकी कनाडा का दिफा करते हुए कहा कि इसकी बेहतरीन शोहरत है। उन्होंने बहस की कि हॉकी को जहरीले कल्चर के मरकज़ के तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। सिग्नर ने कहा कि हॉकी कनाडा वफाकी वजीर खेल की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कोई इंतजामी तब्दीलियां नहीं करेगा, जिसने कहा है कि उनका ख्याल है कि आवामी एतमाद को बहाल करने के लिए गवर्निंग बॉडी में बड़े पैमाने पर इस्तीफे ज़रूरी हैं। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्की आफात में फौज दिफा की पहली लाइन नहीं हो सकती। घरेलू बुरानों से निमटने के लिए फौज पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्की आफात में फौज दिफा की पहली लाइन नहीं हो सकती। कनाडा के एक साबिक आला कौमी सलामती के मुशीर ने पार्लिमानी कमेटी को मुतनबे किया है कि यके बाद दीगरे वफाकी हुकूमतों ने घरेलू बहरानों से निमटने के लिए फौज पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया है। रिचर्ड फेडन के रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब कुछ मुहैदों की मंजूरी दी गई और सूबों के एक नुमाइंदे की तरफ से हल्की सी झुंझुलाहट देखी गई, जो कि फौजी हिमायत याफ्ता रिलीफ का मुतालबा करने की गैर आरामदेह पोजीशन में है। लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों हुकूमतों में वजीर आजम के सिक्योरिटी मुशीर, नायब वजीर दिफा और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद फेडन ने हाउस ऑफ कॉमन्स की दिफाई कमेटी के अरकान पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि उनके तबसरे मुतासिबाना नहीं थे। उन्होंने कहा कि घरेलू हंगामी कार्रवाइयां जैसे तूफानों के बाद सफाई करना और जंगल की आग से लड़ना फौज को इस तरबियत से तवज्जो हटाना है जिसकी उसे तेजी से गैर मुस्तहकम दुनिया में जरूरत है। एक ऐसा नुकता जब से कमेटी ने अपना मुताला शुरू किया है तब से कंजर्वेटिव उस पर हाथ डाल रहे हैं। फेडन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि जब कैनेडियन पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना जैसे सानहात का शिकार हो तो मुसल्ला फौज को दूर रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मसला ये है कि हालिया बरसों में वफाकी हुकूमत ने ऐसा काम किया है जिसे फौज ही वाहिद आला है जो तबाही की सूरत हाल में काम आ सकती है। फेडन ने इस्तदलाल किया कि तबाही के दौरान रद्द अमल फौज को इस वक्त से महरूम कर देता है जब उसे रूस और एक हद तक चीन के साथ बैन अल-अक़वामी तनाव के दौरान बैन अल-अक़वामी तरबियत में सर्व करना चाहिए। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग से बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों में 23 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग से बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों में 23 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि फायरिंग का वाकया नोंग बोआ लाम्पो में चाइल्ड डे केयर सेंटर में पेश आया जिसके बाद तमाम एजेंसीज को हमला आवर के गिरफ्तार करने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला मुसल्ला शख्स साबिक पुलिस एहलकार था जिसे हाल ही में बरतरफ किया गया था, जिसने फायरिंग के बाद अपने अहले खाना को भी मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। यूक्रेन को मजीद असला देने के अमरीकी ऐलान पर मॉस्को ने बराए रास्त फौजी तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद 625 मिलियन डॉलर की इमदाद के ऐलान के बाद मास्को और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त तसादुम को खतरा बढ़ गया है। जबकि रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन में तबाहकुन बमबारी के बाद यूक्रेन हुकूमत ने अपने शहरियों की सेहत और तंदरुस्ती के लिए अहम इकदाम किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को ने खबरदार किया है कि यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद भेजने के अमरीकी फैसले से रूस और मगरब के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा बढ़ गया है। अमरीका में रूस के सफीर अनातोली एनातोफ ने फौजी इमदाद के हवाले से कहा कि ये मास्को के लिए बराह रास्त खतरा है। फौजी इमदाद अमरीका को यूक्रेन के साथ रूस के तसादुम में बाकायदा हिस्सेदार बना देता है। वाज़ह रहे कि अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद 625 मिलियन डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान किया था। जदीद अमरीकी हथियारों ने काबिज
روسی افواج کے خلاف یوکرین کی مزاحمت کی قوت میں کافی اضافہ کیا ہے۔ یوکرینی فوجیوں نے حالیہ ہفتوں میں ملک کے شمال، مشرق اور جنوب میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ مجموعی طور پر 24 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے یوکرین پر حملے کے بعد سے واشنگٹن نے کیف کے لیے تقریباً $17 بلین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے زیلنسکی سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی سطح پر پیوٹن کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب یوکرین کے دیگر شہروں سمیت دارالحکومت کیف کے بعض علاقوں میں لوگوں کو تابکاری اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آیوڈین کی گولیاں تقسیم کی گئیں۔ کیف شہر کی مقامی بلدیہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تابکاری اثرات کے ممکنہ اخراج کی صورت حال کے پیش نظر شہریوں کو دوا کے ساتھ ساتھ ان اثرات سے محفوظ رہنے کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی ہلاکت کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں آلودگی سے خبردار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی ہلاکت کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں آلودگی سے خبردار کر دیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ بھارتی ریگولیٹرز اور نئی دہلی میں قائم دوا ساز کمپنی میڈن فارماسیوٹیکلز کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے۔ بھارت میں تیار کردہ سردی اور کھانسی کے 4 سیرپ میں آلودگی کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادارے نے 4 ایسے کھانسی سیرپ کے نام بھی جاری کیے جنہوں نے بچوں کے گردوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی ادارہ صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ بھارتی سیرپ 66 بچوں کی ہلاکت کی وجہ ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق زیر تفتیش دوا ایک بھارتی کمپنی کی تیار کردہ ہے۔ رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے مطابق لیبارٹری کے تجزیے نے کھانسی کے علاج کے لیے بنائے گئے اس شربت میں ڈائیتھیلین گلائکول اور ایتھلین گلائکول کی ناقابل قبول مقدار کی تصدیق کی ہے جو استعمال کیے جانے کی صورت میں زہریلی ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔